नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। मेरा नाम शुएब है, मैं अंदर गुलजार पार्क गेट नंबर 3 में रहता हूं। और ये इंसान बिल्कुल मेंटल है, जिसको इसको सबको यानी पुलिस केस की धमकी देता है और बार बार बोलता है कि इसके कोई रिश्तेदार यानी कोई अच्छी पोस्ट पे है, PI या कुछ भी पोस्ट पे है, बराबर DYSP के ऐसी पोस्ट पे बता कर, और हर इंसान को यानी हैरान करता है, परेशान करते हैं और फिजूल की धमकी देते हैं और कुछ नहीं। आप कितने साल से परेशान हैं ये सब मामले को? बहुत टाइम से देखते हैं, वहाँ बच्चे खेलते तो बच्चों को भी भगा देते हैं, बराबर कोई लारी वाला आता है बेचारा, लारी वाले को भी भगा देते हैं, उसकी वाइफ बेचारी 2 मिनट के लिए भी बाहर नहीं आ सकती, इतना मेंटल इंसान है। उसके लड़के भी उससे डरते हैं, उसके घर में उसका 2 लड़के हैं, वो खुद भी इससे डरते हैं। आसपास के लोग कैसी निगाहों से देखते हैं डॉक्टर को? डॉक्टर को डॉक्टर की निगाह से देखता ही नहीं है कोई अब, क्योंकि बार बार इसकी ये जो नाटक हो रही, हरकतें हो रही है, उसको देखते हुए कोई यानी अब उसको डॉक्टर की निगाह से देख ही नहीं रहा है। सोसाइटी के लोग किस बात से पीड़ित है बार बार पुलिस? वहाँ से जो भी निकलता है, अगर देखो ये धूप है, बराबर अभी धूप का माहौल चल रहा है, यानी इस तरह की गर्मी है, तो कोई बंदा वहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता, उसके घर के आसपास कोई खड़ा नहीं रह सकता। वो पेड़ लगा हुआ है तो थोड़ी देर छांव में खड़े रहने के लिए कोई भी बंदा अगर खड़ा रहता है तो तुरंत ही उसके ऊपर एलिगेशन डालने की बात करता है वो बंदा, बिल्कुल मेंटल है बिल्कुल। बहुत बार बुलाई है। हालांकि हाँ, वो भी बेचारे परेशान हो गए, पुलिस स्टेशन, पुलिस प्रशासन को भी बार बार परेशान कर रहा है वो बार बार। हाँ वो उसके बिल्कुल घर के सामने जो बेचारे रहते थे, गरीब थे बिल्कुल, उन लोगों ने वो मकान भी खाली कर दिया और यहाँ से चले गए, उसकी वजह से, उससे परेशान होकर वो यहाँ से चले गए। जी मेरा नाम मोहम्मद अमीन नागुरी है, मैं यहाँ रमजान पार्क 3 में रहता हूँ। डॉक्टर दीवान को कितने सालों से जानते, कैसे जानते? तकरीबन बचपन से ही जानते हम लोग, तो बड़े यहीं पर हुए और तकरीबन 15-17 साल हो गए उनको जानते हुए। क्या कुछ देखा है आपने उनके साथ का मामला? हमने तो उनके साथ का मामला ऐसा देखा हुआ है कि वो पूरे मेंटली साइको है और कुछ नहीं है। कैसे कह सकते हो आप मेंटली साइको है? कुछ क्योंकि वारदात तो बहुत सी है, तकरीबन एक इंजेक्शन मारने का, जब बंदा पड़ोसी डॉक्टर एक MBBS हो आप, तो आप एरिया के मसीहा होना चाहिए कि आप MBBS हो, एरिया को आपके ऊपर गर्व होना चाहिए। उसके बजाय यार आधी रात को कोई पेशेंट जाता है, गरीब लोग होते हैं, एक इंजेक्शन मारने का 500-700 रुपए ले लेते हो, तो आप किस कौन से एंगल से डॉक्टर कहलाते हो? आपको पता चलना चाहिए कि मेरे एरिया के लोग हैं, मेरे पड़ोसी है, तो उनको मैं फ्री में सेवा दूँ। यहीं पे दूसरे डॉक्टर भी रहते हैं, वो कोई चार्ज नहीं लेते, रात को ऐसा माइनर सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ी ट्रीटमेंट करते हैं, बोल देते हैं सुबह में कोई अच्छा हॉस्पिटल में दिखा देना, अदरवाइज उसके सिवा कोई चार्ज नहीं लेते वो लोग। और इनका देखा जाए तो पागलपन का, किस तरह का पागलपन करते हो? पागलपन तो ये है सर जी के अगर आप फ़ोन पर बात करते करते इनके घर के आगे खड़े हो जाओगे तो अंदर से कैमरे चेक करके बाहर आएंगे कि भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे। तकरीबन हम बोलेंगे कि भाई फ़ोन पर बात कर रहे हो, ऑफिस का एक कॉल चालू है, तो बोले नहीं तो आप मेरी वाइफ को छेड़ रहे हो यहाँ खड़े खड़े, मैं 100 नंबर पर फ़ोन कर देता हूँ, आपके साथ अच्छा नहीं होगा, आपके साथ FIR करवा दूंगा। ये सब मानसिकता ही है, दूसरा कुछ नहीं है। कई बार किया है पुलिस प्रशासन भी तंग आ चुका होगा इनसे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि तकरीबन एक दिन में 5 से 10 बार आप 100 नंबर पर फ़ोन करोगे तो वेजलपुर डिवीज़न है या सर्किट डिवीज़न है, उनको इंक्वायरी करने के लिए आना ही पड़ता है। अगर आप 100 नंबर में फ़ोन करोगे उनको जवाब लिखाना ही पड़ता है, तो फिर वो तो तंग हो गए ना, एक माइनर सी प्रॉब्लम के लिए उनके काम छोड़ कर आना पड़ता है यहाँ पर, तो फिर पुलिस प्रशासन को आप कितना प्रेशर डालोगे, कब तक डालोगे आप? उनके परिवार के लोगों में भी कुछ पुलिस प्रशासन में है, कोई अधिकारी है? हाँ ऐसा सुना हुआ है कि उनके वहाँ कोई XDIG है, क्या तो कोई XPI है, वो इतना कुछ आइडिया नहीं है, बट सुना हुआ है तकरीबन उनकी वजह से, कभी पुलिस की वजह से कभी ये लोग इतना कुछ कर रहे हो। और मेंटली अगर ये जो MBBS की डिग्री है उन्होंने लंदन से ली है मेरे ख्याल से, और तकरीबन लंदन में तो आप सबको पता है कि क्या चलता है, डिग्री वगैरह कैसे ली जाती है वहाँ पे, वहाँ के इंस्टीट्यूट को खाली पैसे से होता है, वहाँ पे आप स्टडी करो या ना करो आपको सर्टिफिकेट तो मिलना ही है वहाँ पे। अच्छा, तो ये शंका है कि आरोप मेरी ये शंका है कि ये डिग्री जारी है, क्योंकि लंदन में क्या है तकरीबन यहाँ से जाते हैं इंस्टीट्यूट की फ़ी भर के, और उसके बाद वहाँ पे क्या होता है आपको भी नहीं पता चलता, मुझे भी नहीं पता चलता है। बिल्डर लॉबी का और इनका झगड़ा चल रहा है, कैसे देख रहे हो आप ये, सही है? मैं इस मामले में बिल्डर लॉबी को पूरा निर्दोष मान रहा हूँ सर जी, क्योंकि
वो जो आक्षेप लगा रहे 50 लाख रुपए मुझसे मांगे हैं, तो 50 लाख से ज़्यादा की महंगी गाड़ी तो उनके पार्किंग में पड़ी हुई है सर जी। तो जब 50 लाख इससे क्यों मांगेंगे? हाँ। और इसके पास 50 लाख जितनी प्रॉपर्टी है वो मुझे लगता भी नहीं है कि इसके पास 50 लाख होंगे। जो हिसाब से ये रह रहा है, जो हिसाब से ये चल रहा है, लग नहीं रहा कि इसके पास 50 लाख होंगे। परिचय, मेरा नाम समद खान पठान है। कहाँ रहते हो आप? मैं गेट नंबर 3 सोसाइटी का ही रहवासी हूँ। डॉक्टर दीवान को कैसे जानते हो? मैं डॉक्टर दीवान को करीबन 17 से 20 साल से जानता हूँ। क्या कुछ देखा है, कैसे हैं डॉक्टर? उनका नेचर थोड़ा साइको है, दिमाग थोड़ा मेंटेलिटी है, मतलब आते जाते किसी की भी देखते हैं, कोई बंदा अगर देखता है उनके घर तक तो उनको भी मतलब धमकाया जाता है पुलिस प्रशासन की। और जिनका क्राइम से या पुलिस से कोई लेन देन नहीं है ऐसे बंदों को भी पुलिस केस कर दूंगा, FIR करवा दूंगा। मेरी जानकारी बोले अच्छे अच्छे अधिकारी जो है, मेरा भतीजा है SP है, DY SP है, मेरा कुछ हो नहीं सकता। और सोसाइटी में भी हर किसी को पता है इनका नेचर स्वभाव, अगर आप 100 लोगों से पूछोगे ना तो 99 लोग यही जवाब देंगे। घर के आंगन में भी मतलब कोई साग भाजी वाला कोई आते जाता कोई खड़ा रहता है तो उसको मतलब रुकने नहीं देते हैं, यहाँ रुकने का नहीं, घर के तरफ देखने का नहीं, मतलब ऐसी मेंटालिटी है इनकी। और लास्ट अपने एक भाई है सादिक भाई सैयद फरीद मियाँ, मेरे पड़ोसी है, A96 में रहते गेट नंबर 3 में। उनका भी 2020 का एक केस है, वो पाबंद परहेजगार इंसान है, नमाजी आदमी है, उनका ना क्राइम से ना पुलिस से कोई लेन देन है, उनको भी मतलब फंसाया गया था 2020 में, वो भी मेरे पास प्रूफ है, एविडेंस है। किस केस में फंसाया गया था? क्या यही कि मतलब तुम मेरे घर के मतलब आगे पीछे देखते हो, बोले रात को इतने बजे निकलते हो मेरे सामने, मतलब मेरे घर पे नहीं देखने का, यहाँ से मतलब जाओ तो सीधे से जाओ ऐसे, अगर कोई देख लेता है कोई भी हाँ तो नॉर्मल पुलिस की धमकी दिया जाते है। और जिसका कोई लेन देन ही नहीं है क्राइम से, उनको भी 100 नंबर की या SP DY SP की धमकी मिलती है उनके रिश्तेदार। हाँ, सोसाइटी में भी वारदात हुई है ऐसी कुछ आपको? यही गरीबों को मतलब जो फेरी लारी गल्ले वाले जो आते हैं उनके घर के आंगन में मतलब गाड़ी भी लगाते हैं तो उनको भी लगाने नहीं देते छांव में, मतलब अभी भी गर्मी का मौसम है। तो कुछ बहुत सी चीज़ें देखी है इस बंदे के अंदर, मैं काफ़ी टाइम पहले से मतलब जानता हूँ, कई सालों से उनकी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन लास्ट 2020-19 में जो केसेस हुआ उसके बाद से मतलब ये इंसान की मेंटेलिटी थोड़ी फेल हो गई है ऐसा मालूम पड़ता है। मेरा नाम फाहद खान पठान है, मैं मेरे दोस्त से यहाँ मिलने आता हूँ गुलजार पार्क में। तो एक डॉक्टर करके का वो बोलता है यहाँ नहीं आने का, यहाँ खड़े नहीं रहने का, नहीं तो तुम्हारे ऊपर केस होएगा फलाना ढिकना ऐसा अनसंड बोलता था 2 साल पहले। दीवान साहब नाम है उनका, ऐसा हमारे को बोलते डराते हैंगे। अब हम तो हमारे दोस्त से मिलने आते तो भी हमारे को धमकिया देते, बोले यहाँ खड़े नहीं रहने का यूँ तू, तो हमारे 2-3 जने दोस्त यूँ बोलते ये थोड़ा मानसिक है, इससे ज़्यादा मुँह लगने का नहीं। तो हम लोग कुछ बोलते नहीं थे, वहाँ से चुपचाप हमारी गाड़ी ले कर निकल जाते थे। मेरा दोस्त है यहाँ अंदर ही रहता है गुलजार पार्क, उसका नाम है अयान ने फैजान, दो ही दोस्त है मेरे, हम लोग मिलते थे स्कूल से। उसके बाद आपने आना जाना बैठना बंद कर बहुत कम कर दिया था थोड़ा, यानी बाहर हम लोग नाके पे मिलने अंदर आते नहीं थे। आपको कोई धमकी के पुलिस बुलाता हूँ? हाँ ऐसा बोलता था, बोले मैं केस कर दूंगा तेरे नाम का, मेरे घर पास क्यों खड़े रहते यूं ना तू, ऐसा बोलता था हमारे। क्या क्या बोलता था उसी के साथ? बस ऐसा ही बोलता था और कुछ बोलता नहीं था जो था। फिर हम लोग आना ही बंद कर दिए, बाहर ही मिल लेते थे, जुआ पूरा हो रोयल अकबर हो वहाँ मिल ले हम लोग। हाय नमस्कार, मैं हूँ अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो।